लोकसभा चुनाव के छठे चरण में हरियाणा की सभी 10 संसदीय सीटों पर मतदान के बीच गुरुग्राम के बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का शनिवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया, जिनकी उम्र 45 साल थी। सुबह 10:30 बजे हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें पालम विहार स्थित मणिपाल हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहां उन्हें भर्ती कराया गया, जहां उनका कुछ देर उपचार चला, लेकिन निर्दलीय विधायक की जान नहीं बच सकी। राकेश दौलताबाद ने 2019 के चुनाव में बादशाहपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी सरकार को समर्थन दे दिया था। उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट मनीष यादव को हराया था। उनकी छवि एक समाज सेवी के रूप में थी। हरियाणा में हाल के राजनीतिक उठापटक के बीच भी विधायक दौलताबाद बीजेपी को समर्थन दे रहे थे। 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके कारण नायब सिंह सैनी सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राकेश दौलताबाद के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, बादशाहपुर के विधायक और विधानसभा में प्रमुख सहयोगी रहे राकेश दौलताबाद के आकस्मिक निधन से आहत और स्तब्ध हूँ। उनके अचानक चले जाने से हरियाणा की राजनीति में एक शून्यता आई है। अब हरियाणा में अल्पमत में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर संकट के बादल और गहरा गए हैं। निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद की हार्ट अटैक से मौत हुई, जिसके बाद सरकार के सामने बहुमत का संकट खड़ा हो गया है। हरियाणा में बीजेपी के पास 42 विधायकों का समर्थन है। आइए एक बार हरियाणा विधानसभा का अंकगणित समझ लेते हैं। हरियाणा के 90 विधायक दल वाले सदन में फिलहाल कुल विधायक 87 हैं। लोकसभा चुनाव लड़ रहे और विधायक पद से इस्तीफा दे चुके पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और रणजीत चौटाला के इस्तीफों और निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद की मौत के बाद 3 विधायक पद खाली हो गए हैं। मौजूदा विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 44 है। सदन में बीजेपी के 40 विधायक हैं और 1 निर्दलीय विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा के समर्थन के बाद बीजेपी के पास कुल 42 विधायकों का समर्थन है। बहुमत के लिए बीजेपी को 2 और विधायकों का समर्थन चाहिए। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस के विधानसभा में 30 विधायक हैं। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ कांग्रेस के पास कुल 33 विधायकों का समर्थन है। सदन में 12 विधायक न्यूट्रल भूमिका में हैं, यानी वे किसी के पक्ष में नहीं हैं, जिनमें जेजेपी के 10 विधायक, इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला और निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू शामिल हैं। कुछ दिनों पहले हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद राज्य सरकार अल्पमत में आ गई थी। इन 3 विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। निर्दलीय विधायकों के पाला बदल से राजनीतिक समीकरण भी बदल गए हैं। हालांकि सरकार गिरने का खतरा नहीं है। अब नियम क्या कहता है वो भी हम आपको बता दें। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस अभी बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए सदन में कह सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि 13 मार्च को ही नायब सिंह सैनी की सरकार ने बहुमत साबित किया है और नियम है कि इसके 6 महीने तक कोई विश्वास मत परीक्षण नहीं हो सकता है, यानी 13 सितंबर तक विश्वास मत परीक्षण का प्रस्ताव कोई नहीं ला सकता है। फिलहाल 1 निर्दलीय विधायक की मौत के बाद नायब सिंह सैनी सरकार पर कुछ तो संकट के बादल जरूर मंडराए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर amarujala.com।